नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के महान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट के तीसरे एपिसोड में उनके स्वप्न की पूर्ति की। दर्शकों, जब उनको वायुसेना में कमीशन मिल गया, जब वो पायलट बन गए, तो उसके बाद वो उस गरीबी से निकलकर एक नई दुनिया में अपना एक नया संसार, अपना एक नया सपना संजोने के लिए तैयार थे। तो दर्शकों, ये बात है छठे दशक की। एक नए युग का प्रारंभ हो चुका था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को गुट निरपेक्षता तथा प्रगति के मार्ग पर ला खड़ा किया था। उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री उसी मार्ग पर आगे बढ़े। उनके कार्यकाल में शांति प्रिय भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया था। शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात शास्त्री जी का ताशकंद में ही निधन हो गया, किंतु वे अपने पीछे जय जवान जय किसान का नारा छोड़ गए। उसके बाद भारत तथा उसके लोगों के भाग्य निर्देशन का कार्य नेहरू की बेटी को सौंपा गया। दर्शकों, इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 में पद का कार्यभार संभाला। उनका उद्देश्य एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र का निर्माण करना था, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने तथा देश का समग्र परिवार के रूप में समाकलन करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्हें उस पदभार संभाले अभी कुछ ही महीने हुए थे कि राजेश पायलट को उत्तर पूर्वी प्रदेश में रेल द्वारा जाना पड़ा। उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी जितनी उनके पिता के समय तीसरे दर्जे के डिब्बे में हुआ करती थी। उनका मन भूतकाल में विचरने लगा। उनका 1200 रुपये का मासिक वेतन कुछ कम न था। उन्हें उस समय की याद आई जब माँ को अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। अब वे सुख चैन का जीवन व्यतीत कर सकेंगी। वे अपनी विवाहित बहनों की ओर सहायता का हाथ बढ़ा सकेंगे। किंतु क्या मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है? क्या अपने गांव, जिले तथा समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व नहीं होना चाहिए? राजेश पायलट, उन्होंने सदा ही जीवन में सच्चाई और बुराई के बीच संघर्ष होते देखा है। एक ओर अर्दली की उपहासपूर्ण हंसी और दूसरी ओर उन्हें बिस्तर की चादर तथा तकिया देने के लिए आगे बढ़ा हुआ सिद्दकी का हाथ। इसका प्रमाण थे, उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि लोगों के काम आ सकें, विशेषकर उनके लिए जिन्हें सहायता की अधिक आवश्यकता है। रेल में झूलते झूलते उनकी आंख लग गई। सैन्य संचालन अड्डे पर नई बिरादरी में उनका विशिष्ट स्वागत किया गया और तब सही सैनिक ढंग से संग्रामिक पायलटों के कर्तव्य के संबंध में निर्देश दिए गए। अधिकारियों के मैस में उनके लिए कमरे नियत कर दिए और उनकी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक बैरा लगा दिया गया। जिस परिवेश में पले थे उसमें उनके साथ संदेशवाहक लड़के जैसा सलूक किया जाता था। अतः राजेश पायलट अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में ना ढाल सके जिसमें किसी अन्य आदमी पर हुक्म चलाया जाए। बीते दिनों की याद ने उन्हें संवेदनशील बना दिया था। आखिर हम में और उनमें अंतर क्या था? वे भी तो किसी का पिता, पति, भाई तथा बेटा थे। हो सकता है कि उसका भी कोई बेटा हो जिसे वह अर्दली न बनाकर कप्तान बनाना चाहता हो। उस शाम उन्होंने पहली बार एक मधुशाला में प्रवेश किया। स्क्वाड्रन कमांडर, विंग कमांडर VPS चौहान ने उनका अभिवादन किया। जन उन सभी शराब की बोतलों को पंक्ति में लगा देख उन्हें अजीब सा लगा, किंतु सायंकाल
बंधुत्व के घनिष्ठ वातावरण में उनका संकोच जाता रहा। अगली प्रातः स्क्वाड्रन कमांडर एक अलग ही रूप में दिख पड़े। उन्होंने चुस्त लहजे में हमें सूचित किया कि चूंकि हमने ये पेशा स्वेच्छा से चुना था, हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमें नई बातें सीखने की कितनी योग्यता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ज्ञान बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य की कामना की, तत्पश्चात हमें क्रू रूम में भेज दिया गया। यहाँ राजेश पायलट विमान की पड़ताल सूची, उसकी ऊंचाई, उसके पंखों की चौड़ाई तथा अन्य ब्यौरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी थी। जिस स्क्वाड्रन के साथ उन्हें लगाया गया था, उसके पास जो विमान था उसे उड़ाने और उतारने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती थी, और वे अग्रिम सैनिक क्षेत्रों में सामग्री तथा डांग पहुंचाते थे। उनकी प्रथम उड़ान का उद्देश्य भी सामग्री पहुंचाना था, और उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट ढिल्लो उनके कप्तान थे। उन्होंने विमान से रसद गिराने की विधि की तैयारी की। यान को सहसा निचले स्तर पर लाना होता है और फिर उसी स्तर का कुछ दूर उड़ने के बाद उसे 70 डिग्री के कोण पर ऊपर उठा लेते हैं। पहले पहल यह बहुत भयानक लगा और विश्वास नहीं होता था कि विमान के साथ इस तरह दाव पेच खेले जा सकते हैं। इंजनों की गर्जना के बीच विमान के ऊपर उठने पर ही उस संक्रिया को सफल माना जाता है, और ये सफलता चालक के कौशल पर निर्भर करती है। उसकी कुशलता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि रसद में साथ कितने पैराशूट निर्धारित क्षेत्र के अंदर उतरे। सायंकाल के नियमित मिलन से उन्हें सबको एक ही परिवार का सदस्य बना दिया। कभी विवाहित अधिकारी अविवाहितों को अपने घर पर आमंत्रित करते, और अन्य अवसरों पर अविवाहित इन्हें मैस में बुलाते थे। कभी कभी शामें टायरों के शोर की गूंज से जीवित हो उठती। जब उनमें से 5-6 बैंक के ऋण से खरीदे हुए स्कूटरों पर गोली की तरह शहर की ओर भागते थे और घूम फिर कर लौटते। जुलाई 1971 में करीबू में उन्हें पूर्ण रूपेण संग्रामिक पायलट घोषित कर दिया। कुछ मास पूर्व ढिल्लो, जिनसे उन्होंने इतना कुछ सीखा था, विमान के धमाके का शिकार हो गए थे। उन्हें उनके लिए बहुत दुख हुआ, किंतु पूर्वजों के आदर्शों तथा देश के सिद्धांतों के लिए मरण सचमुच श्रद्धास्पद है। कुछ महीने बाद उन्हें जंगल एंड स्नो सर्वाइवल, जंगल और बर्फ में बचे रहना कोर्स के लिए भेजा गया, किंतु इसमें बीच में ही वापस बुला लिया गया, क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने फिर हमारे साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। तो दर्शकों, आज हमने आपको राजेश पायलट के स्वप्न के बारे में बताया। तीसरे एपिसोड में हमारी मुलाकात अब आपसे होगी उनके चौथी एपिसोड में, जो नॉर्थ ईस्ट में आपातकालीन प्रवास पर वो ड्यूटी पर थे। तो आगे की घटना अब हम आपको एपिसोड नंबर 4 में बताएंगे। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।